नमस्कार, मैं श्याम भोईर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं मुंबई में स्थित आरे जंगल में हूँ। दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो बहुत सारी जंगली सब्जियाँ जंगलों में उगती है। तो आज की वीडियो में हम लोग बाम्बू की सब्जी पर बात करेंगे। हम आदिवासियों में उसे वास्ते, वास्कल या सिंध कहते हैं। तो चलिए इसे लाने के लिए चलते हैं आरे जंगल में। दोस्तों, हम लोग जंगल में आए हैं बाम्बू की सब्जी ढूंढने के लिए और हमने पेड़ ढूंढ लिया है। यह है इसका पेड़ और ये जो हिस्सा है इसे हम काट के घर लेके जाएंगे सब्जी बनाने के लिए। सिंध सब्जी को बनाने के लिए उसको पहले काटना पड़ता है और काटने के बाद उसको पानी में थोड़े समय के लिए रखना पड़ता है ताकि उसका कड़वाहट निकल जाए। आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े में सिंध के सब्जी को कैसे काटा जा रहा है। दोस्तों, आज हम लोग सिंध की सब्जी पारंपरिक रूप से यानी उसमें झींगा मच्छी डाल के बनाएंगे। ये कोलबी मच्छी है, इसे बनाने से पहले अच्छे से धोकर इसे साफ कर लेते हैं। हम आदिवासी संस्कृति में सिंध का बहुत बड़ा महत्व है। हम हर साल इसे खाते हैं। दोस्तों, सिंध की सब्जी बनाने के लिए चाहिए मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, खाने का तेल, लहसुन, इमली का पानी, क्योंकि हम लोग कोलबी मच्छी डाल रहे हैं इसलिए उसमें मच्छी में इमली का पानी डालना ज़रूरी होता है, और सिंध।
लगभग 25 मिनट बाद इसमें इमली का पानी डालें। इमली का पानी डालने के 5 मिनट बाद हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है और इसे हम खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बाम्बू की सब्ज़ी के बारे में पता नहीं है, पर मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि बाम्बू की सब्ज़ी भी होती है और उसे हम आदिवासियों में वास्ते, वास्कल या सिंध कहते हैं और ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है।